नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। सुबह की इस वीडियो में ऐसी सूचनाएं होती हैं जो विभिन्न समाचार पत्रों पर छाई हुई होती हैं और विद्यार्थियों के लिए आवश्यक होती हैं। तो आइए देख लेते हैं कि आज के समाचार पत्रों में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। सबसे पहली सूचना है, राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग का मसौदा जारी। ये उस आयोग की बात हो रही है जो सभी शिक्षक भर्तियाँ करवाएगा, चाहे उच्चतर शिक्षा शिक्षकों की भर्ती हो या माध्यमिक टीजीटी पीजीटी की भर्ती हो या बेसिक शिक्षा विभाग में प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती हो। अब इसी आयोग से ये भर्तियां होंगी और इसके प्रारूप में भी लिखा कि किस तरीके से भर्तियां होंगी। यहाँ पर लिखा हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती के लिए UGC मानक, और यानी कि जैसा UGC कहेगा उसके अनुसार। नीचे लिखा सहायक आचार्य में वस्तुनिष्ठ प्रकार की एक सहायक लिखित परीक्षा होगी। सामान्य ज्ञान 30 अंक का, संबंधित विषय के 70 अंक की परीक्षा होगी और 30 अंक का साक्षात्कार होगा। TGT PGT भर्ती के बारे में भी लिखा हुआ है किस तरीके से होगी। जिस तरीके से LT ग्रेड की भर्ती होती है उस तरीके से होगी। और यहाँ पर लिखा कि दो विषय सामाजिक विज्ञान और विज्ञान, इनकी अलग से परीक्षा हो सकती है, बाकी का सिलेबस एक ही तरह रहेगा। प्राथमिक स्कूलों में यहाँ पे सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है लिखा हुआ, प्राथमिक स्कूलों के शिक्षक के लिए TET के बाद लिखित परीक्षा, CTET और TET के 1/4 अंक और अभ्यर्थी की मेरिट के अंक को जोड़ते हुए। अभ्यर्थी की मेरिट के अंक को स्पष्ट नहीं लिखा है, यहाँ पर अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि एकेडमिक के भी नंबर जुड़ेंगे और TET के बाद में भी एक लिखित परीक्षा होगी, यानी सुपर TET। सुपर TET के भी नंबर जुड़ेंगे, एकेडमिक के भी नंबर जुड़ेंगे और TET के भी नंबर जुड़ेंगे। इस तरीके से अब प्राथमिक शिक्षकों की भर्ती होगी। यहाँ पर यह भी दिया हुआ है किस तरीके का आयोग होगा। लिखा राज्य शिक्षा सेवा चयन आयोग में 14 सदस्य होंगे, एक अध्यक्ष होगा, इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। यह आयोग उच्च एवं माध्यमिक शिक्षा के सहायता प्राप्त कॉलेजों, स्कूलों और प्रसिद्ध स्कूलों के शिक्षकों का चयन करेगा। पहली बार राज्य सरकार आयोग के माध्यम से प्राइमरी स्कूल के शिक्षकों का चयन करेगी। अभी तक प्राथमिक अध्यापकों की भर्तियां जो है वो PNP से होती थी, बेसिक शिक्षा विभाग से होती थी, और अब पहली बार ये आयोग से होंगी। तो ऐसा लगता है कि जो आने वाली भर्ती है जिसका विज्ञापन मार्च में आना है वो अब इसी आयोग से आएंगी, और अगर इस आयोग से आएंगी तो फिर TET के नंबर भी जुड़ेंगे। इसलिए आप लोग जो एग्ज़ाम है आपका UPTET आने वाला है शायद 10 तारीख तक या दीपावली के पहले इसका विज्ञापन आ जाए, और CTET तो 8 तारीख को है, 8 दिसंबर को इसकी परीक्षा है, तो आप लोग इसकी अच्छे से तैयारी करिए और ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश करिए। इसके बाद में एक और सूचना है, देना ज़रूरी है ताकि ये व्यवस्था की पोल खुले और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये पता चले कि आखिरकार आयोग में हो क्या रहा है। कल लोअर की परीक्षा थी और आप लोग देख रहे हैं कि ये लोअर का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो रहा था। जिन विद्यार्थियों ने परीक्षा हो वो लोग देख के बता सकते हैं कि ये प्रश्न आए थे या नहीं आए थे। इसमें लिखा, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। फिर है कि उत्तर पिनाकिनी के नाम से कौन सी नदी जानी जाती है, कावेरी, ब्राह्मणी, वैगई और पेन्नर। अंगूर की खेती करने वाले को यह संवर्धन को किस नाम से जाना जाता है, तो खादर और भांगार किस प्रकार की मिट्टी है, खादर और भांगर होता है वो गलत लिखा हुआ है। इसी तरीके से ये पेपर जो है ये कॉपी है और जिस विद्यार्थी ने भेजा है इसको, ये इसकी OMR कॉपी भी है और इसका रोल नंबर भी आपको दिख रहा होगा। तो जिसने भी ऐसा काम किया उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई हो, और ये किसी डिवाइस के द्वारा ही लग रहा है, या तो कॉलर में डिवाइस लगी हुई है, कैमरा लगा हुआ है, या चश्मे में भी डिवाइस लगी रहती है। आप लोगों ने सुना होगा कि ये भी एक नया मैटर था स्वामी चिन्मयानंद वाला, तो उसमें भी जो डिवाइस थी वो चश्मे में लगी हुई थी, और ऐसा लग रहा है कि ये जो देखा जा रहा है वो चश्मे से ही देखा जा रहा है, तभी इतना स्पष्ट दिख रहा है। इसके बाद में एक और सूचना है कि अब हर वर्ष शिक्षक भर्तियाँ आएंगी, हर वर्ष, प्रत्येक वर्ष। और मैंने तो बहुत सारे वीडियोस में आप लोगों से बताया था कि आप लोग चिंता ना करें, परेशान ना हों, समाचार में जो सूचनाएं आती हैं उनको आने दें और शिक्षक भर्ती तो ज़रूर आएंगी। तो उसी को लेकर ये सूचना है, लिखा कि हर वर्ष शिक्षक भर्ती का कैलेंडर जारी करेगा शिक्षा आयोग। प्राथमिक, प्राइमरी से लेकर उच्च शिक्षा तक के शिक्षकों की भर्ती के लिए गठित होने वाला उत्तर प्रदेश राज्य शिक्षा आयोग हर वर्ष कैलेंडर जारी कर भर्ती करेगा।
डिग्री कॉलेज माध्यमिक स्कूलों और प्राइमरी स्कूलों में शिक्षकों के खाली पदों को भरने के लिए वर्ष में कम से कम एक बार एक भर्ती परीक्षा अवश्य आयोजित की जाएगी। वर्ष की शुरुआत में ही कैलेंडर जारी किया जाएगा। ये जो कैलेंडर है ये जनवरी के महीने में ही आ जाएगा और मार्च तक आपकी जो भर्ती है वो उसका विज्ञापन आ जाएगा लिखा, जिसमें लिखित परीक्षा साक्षात्कार से लेकर रिजल्ट तक की जो तारीखें हैं वो तय होंगी कि कब लिखित परीक्षा होगी, कब इसका रिजल्ट आएगा और कब इंटरव्यू इत्यादि होगा। जिस भर्ती में इंटरव्यू होगा उसकी बात हो रही है। तो इसके बाद में अगली सूचना है PCS प्री 2018, जिसको इलाहाबाद के लखनऊ खंडपीठ ने रद्द कर दिया है और सचिव को बयान आया है कि समय से मुख्य परीक्षा होगी, आप लोग तैयारी करते रहें और हाईकोर्ट के आदेश का पालन भी होगा। नीचे लिखा है कि इसके बारे में कल आप लोगों को बता ही चुका हूँ कि मामला क्या था, महिला आरक्षण को लेकर के विवाद था। एक महिला थी, उन्होंने इस पर केस किया था। उन्होंने कहा था कि आरक्षण को उचित तरीके से नहीं दिया गया है और लखनऊ खंडपीठ ने इसको निरस्त कर दिया और कहा कि दोबारा रिजल्ट घोषित किया जाए। उसी के बारे में ये सचिव का बयान इसमें आया हुआ कि महिला आरक्षण से संबंधित हाईकोर्ट के आदेश के बारे में पता चला है लेकिन आधिकारिक रूप से कोई जानकारी नहीं मिली है। हाईकोर्ट का जो भी आदेश होगा उसका पूरी तरीके से अनुपालन किया जाएगा और साथ ही मुख्य परीक्षा का आयोजन भी निर्धारित समय पर कराया जाएगा। अभ्यर्थियों से अपील है कि वे मुख्य परीक्षा की तैयारी जारी रखें और असमंजस में ना रहें। जगदीश आयोग के सचिव, तो आयोग एग्जाम करवा सकता है, बिल्कुल करवा सकता है और इस पर भी स्टे मिल सकता है, अभी मामला डबल बेंच में भी जा सकता है। तो इसलिए आप लोग ये मत समझिए कि ये परीक्षा रद्द होगी या कैंसिल होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही, ये होगी आज की अपडेट। और जिनकी आज परीक्षा है लोअर की, उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं और पेपर देने के बाद में ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स में आकर, इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बता दें कि उन्होंने कितने प्रश्न सही हो रहे हैं और पेपर कैसा रहा, ताकि अनुमानित कट ऑफ का अनुमान लगाया जा सके। तो ठीक है दोस्तों, पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।